अस्सलामुअलैकुम, कैसे दोस्तों, ठीक ठाक फिटफाट। मैं हूँ लियाकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेला बुढ़ा। आज एक नया दिन और अल्हम्दुलिल्लाह से काम का आगाज़ कर दिया है। अभी हम ऑनलाइन हो चुके हैं, रोड पर आ चुके हैं और अल्लाह के हुक्म से हमें जहाँ की भी सवारी मिलेगी इंशाल्लाह हम लेके जाएंगे। तो काम का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें रिज़्क हलाल दे। पहली सवारी आज की हमें मिल चुकी है और हमने जा रहे हैं जी PCS, चलते हैं कस्टमर के पिकअप लोकेशन की तरफ और फिर इसको इंशाल्लाह ताला इसके मंजिल मकसूद पर ले जाएंगे। अभी हम खड़े हैं गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 में। अल्हम्दुलिल्लाह से पहली सवारी को हमने उतार दिया है उसकी मंजिल मकसूद पर और अब यहाँ से इंशाल्लाह कोई दूसरी सवारी देखेंगे। झील पार्क है हमारे पास, ये पीछे झील पार्क के पास हमने सवारी उतारी है और 400 रुपये की ये सवारी थी पहली आज की तारिक रोड के पास। अब यहाँ से हम कोई और सवारी कोशिश करेंगे कि हमें मिल जाए इंशाल्लाह, और सुबह का टाइम है और ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। रेड पकड़ते फिर मिलते हैं। झील पार्क के किनारे बैठे हैं और तारिक रोड हमारे बिल्कुल सामने है। आज की दूसरी राइड जो है वो हमें अल्हम्दुलिल्लाह से मिल गई है, तो चलते हैं कस्टमर के पिकअप पॉइंट की जाने और पिक करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे वो यार, फिर उसको ड्रॉप करेंगे, तो चलते पिकअप। पिक करने के लिए पहुंच गए हैं कस्टमर को और अब इसको लेके जाएंगे हम अजीज़ाबाद की तरफ। मैसेज कर दिए हैं उनको और उनका मैसेज भी आ गया कि जी आ रहे हैं, जैसे ही आएगा तो चलते फिर इनके ड्रॉप ऑफ पर अजीज़ाबाद। अजीज़ाबाद की मेन चुरंगी पे खड़े हैं, ये अजीज़ाबाद का सिग्नल है। सवारी हमने उतार दी है पीछे कॉलेज पे और ये हमारा रक्शा है और अब यहाँ से इंशाल्लाह ताला एक और सवारी जो है वो मिल जाएगी। अभी सुबह का टाइम है, काम अच्छा चल रहा है, अगर इसी तरह काम चलता रहा तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द टारगेट कम्प्लीट हो जाएगा। तो एक और सवारी को कोशिश कर दे कि हमें मिल जाए इंशाल्लाह। अभी सिग्नल पर ही खड़े हुए और सवारी हमें मिल गई है ये वाली अल्हम्दुलिल्लाह से, इसको लेके जाएंगे गुलिस्तान जौहर। अभी पिकअप पॉइंट की जानेब चलते हैं और फिर इंशाल्लाह ताला इनको लेके जाएंगे गुलिस्तान जौहर, तो चलते हैं पिकअप पर। पिकअप पॉइंट पर मैं पहुंच चुका हूं और जैसे ही कस्टमर आएगा तो फिर इसको लेके चलेंगे इसकी मंजिल मकसूद पर। गुलिस्तान जौहर में सवारी को हमने उतार दिया है और ये गली में उतार के आए थे, मैं अभी रोड पर आ गया। ये मेरे पीछे अगर आप देखें तो रोड है। अब हम यहाँ से एक और सवारी कोशिश करेंगे हमें मिल जाए। आज इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छा जा रहा है और हमारी उम्मीद है, अल्लाह ताला पे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला शाम तक और रात तक काम ऐसे ही जाएगा इंशाल्लाह। तकरीबन एक मिनट का वक्त गुजरा है और अल्लाह के हुक्म से सवारी जो है वो हमें मिल गई है। हम जा रहे हैं जी गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 पटेल हॉस्पिटल, तो मुलाकात होगी पटेल हॉस्पिटल में। आ चुके हैं गुलशन इकबाल 4 में पटेल हॉस्पिटल में, सवारी को हमने उतार दिया है अल्हम्दुलिल्लाह से। अब यहाँ से एक और सवारी जो है इंशाल्लाह हमें मिल जाएगी, तो सवारी पकड़ते हैं। भूख भी लग रही है हल्की हल्की, लेकिन थोड़ा सा काम करेंगे उसके बाद इंशाल्लाह ताला खाना खाएँगे और खाना जो है ना वो मैं 12 बजे तक खा लेता हूँ। दोपहर का खाना 12 बजे तक मैं खा लेता हूँ, वैसे ये मेरी रूटीन है। आप कब खाते हैं आपकी मर्ज़ी है भाई, आपका खाना आपका पेट है ना, और पैसे भी आपने खुद देने। तो अभी सवारी उठाएंगे, खाना नहीं खाया। 10:30 बज गए हैं टाइम जो है आज दिन का और काम एकदम से रुक गया था काम, काफ़ी देर बैठा रहा और ये छोटी सी राइड मिली है, पिक करने के लिए पहुँच गया हूँ और इसको छोड़ेंगे गुलशन ब्लॉक 7 में। फिर वहाँ से इंशाल्लाह ताला एक और सवारी देखेंगे, नहीं तो अभी जाएंगे खाना खाएंगे, नहाएंगे धोएंगे खाना खाएंगे, उसके बाद फिर काम का आगाज़ करेंगे एक बार, जो थोड़ा वक्फा लेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह से दोपहर का खाना भी खा लिया और नहा धो के कपड़े भी बदल लिए। अब जो है एक बार फिर मजबूती के साथ इंशाल्लाह ताला काम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और बस एक चाय पीनी है, चाय नहीं भी काफ़ी देर से चाय पी देंगे और काम का आगाज़ कर देंगे अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह से सवारी हमें मिल गई है ये वाली और अभी हम इसको पिक करने के लिए जा रहे हैं।
पिक करेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला इसकी मंजिल मकसूद पर इसको लेके जाएंगे और मिलते हैं इसकी ड्रॉप ऑफ पर। छोटी सी सवारी है तो चलते हैं इसको पिक करते हैं और फिर इसको छोड़ेंगे, फिर इसके ड्रॉप ऑफ पर आपसे मुलाकात होगी। अल्हम्दुलिल्लाह से सवारी को उसकी मंजिल मकसूद पर पहुंचा दिया है और अब हम खड़े हैं क्रिकेट स्टेडियम की, नेशनल स्टेडियम की दीवार के साथ खड़े हैं। जैसे ही कोई राइड मिलेगी तो फिर उसको पिक करेंगे और उसको उसकी मंजिल पर लेके जाएंगे। हमारा काम ही यही है, सारा दिन यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ कराची की गलियाँ घूमते हैं, कराची की गलियाँ घूमते हैं हम, लड़कियों को नहीं रोडों को चूमते हैं भाई। नेशनल स्टेडियम की दीवार के पास बैठे हैं काफ़ी देर से और ये सिर्फ छोटी सी एक राइड मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी देर के बाद ये सवारी मिली है तो मैं जा रहा हूँ इसको पिक करने और पिक करके इसको लेके जाएंगे जौहर मोड़ मिलेनियम मोड़। तो मिलते हैं इंशाल्लाह मिलेनियम पर। सवारी उतार दी है मिलेनियम मॉल पर, ये पीछे मेरे मिलेनियम है और अभी हम यहाँ खड़े हैं एक और सवारी के इंतज़ार में कि कहाँ से आती है और कब आती है और कहाँ लेकर जाती है। ये तो किस्मत की बात है ना, अभी तो हमने सवारी को खाली छोड़ दिया है उसकी मंजिल पर। अच्छा सवारी मिल गई है, अभी जौहर मोड़ मिलेनियम पर ही खड़े हैं और अभी जा रहे हैं कस्टमर को पिक करते हैं और इसको लेके जाएंगे आयशा मंजिल की तरफ। तो चलते हैं कस्टमर को पिक करते हैं, फिर इसको मिलते हैं इसके ड्रॉप ऑफ पर मिलेंगे इंशाल्लाह। काम तो लगा नहीं, रक्षा ख़राब हो गया, सवारी पकड़ी थी फिर उसको मैंने छोड़ दिया, सवारी को भी पिक नहीं किया था, छोड़ दिया। तो ये मैंने चाय जो है मंगाई है, सामने होटल है, चाय आ गई है, चाय पीता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी भी सेट हो गई है तो अब जो है वो मैंने जो राइड पकड़ी थी फिर मैंने कैंसिल कर दी, फिर मैं खाली खाली आया मैकेनिक के पास, गाड़ी बनवाई है और अब गाड़ी बनवा के चाय पी रहा हूँ। चाय पीने के बाद इंशाल्लाह ताला काम का जो है फिर बकायदा आगाज़ करेंगे। चाय जैसे ही ख़त्म हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह से राइड मिल गई है और छोटी सी 200 रुपये की राइड लेकर मैंने जा रहा हूँ पिक करता हूँ और फिर इंशाल्लाह इकरा यूनिवर्सिटीज़ को लेकर जाएंगे और फिर वहाँ से एक और सवारी लेंगे। तो चलते हैं कस्टमर के पिकअप पर और हम फिर हमारी मुलाकात होगी ड्रॉप ऑफ पर। अब जो है ना ये बीच वाली कहानी मैंने अच्छा थोड़ा आगे बढ़ाओ यार, आगे बढ़ाओ, है ना। तो ड्रॉप ऑफ पर मिलते हैं कस्टमर। इकरा यूनिवर्सिटी पे सवारी हमने उतार दी है और अल्हम्दुलिल्लाह से जैसे उतारी है तो नज़दीक से ये एक और छोटी सी राइड आ रही थी तो हमने इसको भी जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। अब हम पिकअप पर भी पहुंच गए बिल्कुल नज़दीक से 100 मीटर से। अब जैसे कस्टमर आएगा तो इसके पिकअप पॉइंट पर चलते हैं इंशाल्लाह। इस वाली सवारी को भी उतार दिया है, हम खड़े हैं मेन हसन स्क्वायर पर। ये रोड बंद है, काम हो रहा है और ये मेरे इस तरफ अगर मैं देखूँ तो ये हसन स्क्वायर का ब्रिज नज़र आ रहा है आप लोगों को। ये जो ब्रिज है ये ब्रिज जा रहा है जी नेशनल स्टेडियम की तरफ, हाँ वो जो ब्रिज बने हुए हैं। और ये जो रास्ता ऐसे मुड़ रहा है ये जा रहा है नीपा की तरफ, यूनिवर्सिटी रोड पर चढ़ रहे हैं और यहाँ हम खड़े हैं, रोड बंद है, काम हो रहा है, कस्टमर को उतार दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। एक नई सवारी के इंतज़ार में कि कहाँ की और कब मिलती है। शाम होने वाली है, ये सवारी मैं लेकर आया था PIB कॉलोनी से, माशाल्लाह से बहुत अच्छी सवारी थी, छोड़ दिए, मैं होटल पे आ गया था काफ़ी देर से, अभी मुझे तकरीबन 1 घंटा हो गया मैं यहाँ बैठा हूँ, दोस्तों के साथ बैठ गया, चाय वाय पी, ये सारे रक्षे खड़े हुए दोस्तों के, अब होटल में बैठे रहे, चाय वाय पीने के बाद अब जो है मैं काम का एक बार फिर मजबूती के साथ आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो कोई और अच्छी सवारी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी, तो कोशिश करते हैं सवारी की, तो सवारी पकड़ते तो इंशाल्लाह जैसे कोई सवारी मिलती है तो आपको अपडेट दूंगा। और कुछ नहीं यार, रात को 10 बजने वाले हैं, एक भी सवारी नहीं उठाई है, काफ़ी देर से इसी स्टॉप पे आए और बैठे हुए और मैं अकेला नहीं बैठा हुआ, ये पूरी चैन है, ये पूरे रक्षे। और यार मैं समझा मोबाइल छीनने वाला आ रहा है। अच्छा ये मेरा वसीम भाई, 11 बजने वाले हैं रात को और हमें कोई सवारी नहीं मिली है, काम के जो हालात है ना वो बहुत बुरे हैं। अभी हम जा रहे हैं अपने स्टाफ की तरफ, रक्षा चलाता हुआ जा रहा हूँ मैं, डिस्को बेकरी की तरफ जा रहा हूँ और अपने स्टाफ पे जाऊँगा। काम बहुत स्लो था,
बहुत सुबह में थोड़ा सा काम था, दोपहर में कोई भी काम नहीं किया। क्या करें, अभी क्या कर सकते हैं, जो हालात चल रहे हैं शहर के मुल्क के बहुत मुश्किल है। अल्लाह पाक सबके लिए आसानी करे, जहाँ रहें खुश रहें, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। तो मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफ़िज़।